और दोस्तों हमारे पास है पल्सर 180, और सारी पल्सर बाइक में डिस्क ब्रेक में यही प्रॉब्लम मोस्टली आती है। तो ये मैंने इसका डिस्क ब्रेक खोल दिया है। मैं आपको प्रॉब्लम बता इसमें क्या रही थी, जो ब्रेक फ्लूड इसमें हम डाल रहे थे वो सारा यहाँ से निकल कर यहाँ इकट्ठा हो रहा था, बूमिंग करके टपक रहा था। बाइक चला रहे थे तो हमारे कपड़ों पर आ रहा था, तो जो हमारा लीवर यहाँ पर आके हम दबाते थे तो वो यहाँ आके लग रहा था। फिर हम इसके अंदर फिर फ्लूड डाल लेते हैं, फ्लूड डालने के बाद फिर वो यहाँ तक आ रहा था, फिर दबाते 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 वो एक टाइम बाद फिर वो यहाँ पे आके लग रहा था। तो इसमें जो ये लीकेज हो रही थी ब्रेक ऑयल की, वो हो रही थी यहाँ से, इस में से। अब वो इसमें से क्यों हो रही थी, क्योंकि इसमें ये एक पंप लगा होता है इस तरीके से। तो ये मैंने पंप यहाँ से खोल के निकाल लिया है, और जब मैंने इसको यहाँ से निकाला, ठीक है, जब मैंने इसको यहाँ से निकाला तब मैंने ये देखा, ये आप देख सकते हैं ये यहाँ से घिसा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना अलग सा वाइट वाइट सा जो एरिया है, ये यहाँ से घिस गया है। और ये घिस गया है, ये तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है इसकी ये रबड़ वाली सील, जो ब्लैक ब्लैक सील है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे मोटी है, और इस एरिया में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा घिस चुकी है। तो ये जो सील होती है ब्रेक ऑयल को रोकने का काम करती है। अब इसमें से क्या हुआ कि यहाँ से सारा ऑयल आया और ये सील उसको रोक नहीं पाई, सारा ऑयल यहाँ से निकल गया। और ये जो आगे वाली सील होती है ये ब्रेक ऑयल को धक्का देती है, जिससे कि ब्रेक लगता है। अब ये जब हम इस तरीके से इसको दबाते हैं तो ये ऑयल ब्रेक, ये वाली जो सील है ये ब्रेक ऑयल को धक्का देती है, और ये सील भी आप देख सकते हैं ये भी कटी हुई है। तो यानी कि पंप हमारा पूरा ही ख़राब हो गया है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं फिलहाल। और मैं दूसरा पंप लेकर आया हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, ये मैंने अभी यहाँ मुरादाबाद में ख़रीदा है, ये मुझको 160 रुपये का मिला है, और मैं आपको MRP दिखा देता हूँ। ठीक है, 184 रुपये इसकी MRP है, और ये मुझे 160 रुपये में, ये देख सकते हैं एक ये मिला है मुझे, डस्ट को रोकने के लिए सील है ये, और ये पंप आ गया। ये आपको प्लास्टिक का लग रहा होगा, नहीं प्लास्टिक का नहीं है, ये लोहे का पंप है। और इसमें ये देखो फर्क देखो आप, ये सील देख रहे हो, हर तरीके से हर तरफ से बिल्कुल भी किसी भी नहीं, एकदम नई नवेली सील है। और इसके अलावा मैं आपको जो पुराने पंप की दिखाऊं तो ये देखो ये कितनी ज़्यादा घिसी हुई है। ठीक है, इसके अलावा ये मुझे एक लॉक मिला है इसमें, और स्प्रिंग आया है, और ये जो है हमारा ग्रीस है। तो चलो इसको हम नए वाले को फिट करते हैं और देखते हैं क्या रहती है इसकी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले ये स्प्रिंग हम इस पंप में फिट कर लेते हैं। ये स्प्रिंग लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पंप को दबाते हैं तो उसके बाद ये वापस आना चाहिए, तो इसलिए इसमें स्प्रिंग लगाते हैं। और ये लुब्रिकेशन मैं लगा देता हूँ इसमें। लुब्रिकेशन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं लगाओगे तो जो पुराने पंप का हाल हुआ था वही इस पंप का हो जाएगा। ये भी कुछ समय के बाद कट जाएगा, एकदम तो नहीं कटेगा खैर, लेकिन कुछ समय के बाद कट जाएगा। और लुब्रिकेशन लगाने से इसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि लुब्रिकेशन लगाने से ये अमर हो जाएगा, ख़राब तो ये फिर भी होगा, लेकिन इसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 2 गुना ज़्यादा चलेगा। तो आगे और पीछे दोनों सीलों पर मैंने ये लगा दिया है, क्योंकि यही हिस्सा कॉन्टैक्ट में आएगा, इसलिए सिर्फ इन पर लगाया है। और अब मैं इसको सिलेंडर में लगा देता हूँ। तो अब हमें इसमें लॉक लगाना है। लॉक लगाने के लिए आप किसी की हेल्प ले लेना, क्योंकि ये हमें थोड़ा अंदर पुश करके लगाना पड़ेगा। इस तरीके से मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ, और ये मैंने लगा दिया है। इसमें थोड़ी आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी अगर आपके पास औजार नहीं है लगाने का तो। और आप देख सकते हैं, मैं इसको दबा के दिखाता हूँ आपको। और ये देखिएगा, ये पंप बिल्कुल ठीक तरीके से फिट हो चुका है। और अब ये कैसा काम करेगा ये तो फ्लूड डालने के बाद ही पता लगेगा। तो अब लीवर लगा लेते हैं, और इसमें डस्ट सील भी लगा लेते हैं, डस्ट रिमूवर कुछ भी कह सकते हैं इसको।
इस सील का काम यह है कि धूल अंदर नहीं जाने देती, तो मैं लीवर लगा लेता हूँ और इसको पिच बोल्ट से कस के मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा काम कर रहा है। ये मैं बोल्ट लगा लिया है, और ये देखिएगा बिल्कुल फ्री काम कर रहा है, ये कहीं अटक नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। अब इसमें ब्रेक ऑयल डाल लेता हूँ मैं, और ये मैंने डॉट 4 का ब्रेक ऑयल इसमें डाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डॉट 3 का जो ब्रेक ऑयल होता है वो कहीं ना कहीं इसमें एक टाइप की रस्ट यानी कि जंग कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा ना सॉलिड सा इसमें कुछ बनाता है, तब मैं डॉट 4 का डाल के देखता हूँ जिससे कि वो चीज़ ना बने, और देखता हूँ कि ये कैसा चलता है। और इसको बार बार दबा के हमें इसके अंदर प्रेशर बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो ब्रेक ऑयल अभी उछला है ना, इसका मतलब ये है कि प्रेशर इसमें बन चुका है। तो अब इसका कैप लगा देते हैं और इसको कस लेते हैं। ये दो पेचों से रुका हुआ होता है, इन दोनों पेचों को टाइट करके कस लें, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा मतलब सही कस होना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा अगर लूज़ कसे होंगे तो सही नहीं रहेगा, इसलिए इन्हें टाइट कसे। ये मैंने दोनों टाइट कर लिए हैं, और अभी मेरा डिस्क ब्रेक बिल्कुल रेडी है। मैं आपको अभी पहिया घुमा के चेक भी कराऊंगा कि ये कैसा काम कर रहा है। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा कम है ना, वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं किसी मोड पे मेरी वीडियो आपके काम ही आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सभी लोगों से विनती है, आग्रह है, अनुरोध है। ठीक है दोस्तों, बस वीडियो यहीं समाप्त होती है। डिस्क ब्रेक एकदम बढ़िया चंगा हो गया है।